हिमांशु कुमार एक फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो हमने अपलोड किया था बट उसमें थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी, वो मुझे लगा कि उसको रिमूव करना चाहिए, तो हम ये वीडियो फिर से लेके आ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म 16 एंड 26 एस। अभी अगर आप देखें तो CBDT ने बहुत ड्रास्टिक, आप इसको टैक्समैन भी कह सकते हैं कि टैक्समैन ने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं हमारे फॉर्म 16 में एंड 26 AS में। वो आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आप इन सब बातों से अवेयर नहीं है तो आपसे गलती हो सकती है और इस गलती की जो खामियाजा है वो बहुत महंगे हो सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही हाईटेक हो भी होता जा रहा है, प्लस वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको आपके इन्फॉर्मेशन से मैच भी कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म 16 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, साथ के साथ उस चेंजेस से आपको रिटर्न फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज कि अगर आप अपने रिटर्न में सही इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपने रिटर्न के साथ थोड़ा सा भी डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं और उस चेंजेस के क्या इम्पैक्ट हैं। तो अगर आप पुराना फॉर्म 16 देखें तो पुराने फॉर्म 16 में भी अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें थी, बट पहले क्या होता था कि अगर आप फॉर्म 16 में जाएंगे तो जो भी आपकी एग्जम्प्टेड इनकम होती थी उसकी इन्फॉर्मेशन तो आती थी, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो इस तरह से नहीं होती थी कि डिपार्टमेंट उसे मैच कर सके। तो आज बात करते हैं कि क्या हुआ। तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है कि अगर आपको कोई अंडर सेक्शन टेन में अगर आपको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी टैक्स फ्री परक्विजिट्स दिए जा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है। पहले भी ये इन्फॉर्मेशन था, ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थे। पहले क्या था कि 5 डिटेल ही था, ट्रेवल कैश, ट्रेवल कंसेशन, डेथ कम रिटायरमेंट, इस तरह की चीज़ें 4-5 थे। और होता क्या था कि ये डिटेल तो होते थे बट रिटर्न फाइल करते समय इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी। तो पहली चीज़ यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आ गया कि अगर आपको सेक्शन 10 में कोई बेनिफिट मिला है, कोई टैक्स फ्री कंपोनेंट आपको मिल रहा है, अब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पूरा अमाउंट पहले तो डिपार्टमेंट को बताए कितना टैक्स फ्री था, कितना अमाउंट था और क्या था, वो सारे डिटेल जाएंगे। साथ के साथ आपके फॉर्म 16 में एक नया स्लॉट जोड़ दिया गया है जहाँ पे अंडर सेक्शन 10 में आपको अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, अब उसकी रिपोर्टिंग एक तो फॉर्म 16 में भी होगी, साथ के साथ आपके रिटर्न में भी जाएगी। रिटर्न का मतलब यह है कि जो एम्प्लॉयर आपका TDS रिटर्न फाइल करेगा, जो टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो एम्प्लॉयर रिटर्न फाइल करते हैं वहां भी ये इंफॉर्मेशन देनी होगी। होगा क्या, CBDT ने लाने का जो रीजन बताया, उन्होंने कहा कि हमारे फॉर्म 16 और जो हमारा रिटर्न है उसमें इतनी ज्यादा मिसमैच थी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रीजन क्या है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। और एक बड़ी विचित्र सी धारणा है, मैं वो भी बताऊं क्योंकि मैं तो रोज प्रैक्टिस में हूं, अच्छे हमारे पास नंबर्स हैं। उनका एक मानना है, बहुत बड़े तबके का मानना है कि जो TDS कटा है वो रिफंड होता है। पहला तो ये आप दिमाग से निकाल दें कि ऐसा कोई भी रूलिंग है, ये डिपेंड करता है आपके सैलरी स्ट्रक्चर और आपकी कितनी TDS कटी है, आपका कितना इनकम, उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि जो TDS कट गया वो वापस होगा, ये पहली चीज़ें भूल जाए। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ क्या है कि लोगों ने रिटर्न फाइल करते समय गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था और अपना रिफंड क्लेम कर रहे थे। अब अगर आप ऐसा आप करने वाले तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट को 10 का भी पूरा इन्फॉर्मेशन पता है, साथ के साथ ATC यानी कि जो चैप्टर 6 था, ATC के लेके जितने भी डिडक्शन थे उसके जो इन्फॉर्मेशन थे, पहले क्या होता था एक्युमुलेट करके, एक्युमुलेट का मतलब है कि हमने ATC में डिटेल डाल दिया कि 1.5 लाख है, काम खत्म, बाइफर्केशन नहीं हुआ करता था। अब ATC में भी पूरी की पूरी बाइफर्केशन हो गया, आपको ये बताना है किसमें कितना 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 पैसा डाला है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रैकेट काम करता है, रैकेट, मैं इसको रैकेट ही बोलूँगा क्योंकि गलत अगर आप काम करें तो रैकेट ही चल रहा है। लोग यहाँ पे क्या करते थे, जो बहुत तरह के दोनों तो की बात बोलूँ मैं, एक तरफ की क्यों बात करूँ, जो प्रोफेशनल थे वो भी और जो रिटर्न फाइल करने वाले वो भी, यहाँ पे लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते, जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया 70,000, आपने डाल दिया 1.5 लाख और आपका जो डिफरेंस और रिफंड बन गया।
टैक्समैन अब कह रहा है कि अगर आपने इस तरह की गलती की तो बहुत परेशानी होगी, यानी कि एम्प्लायर अब आपका एक एक इंफॉर्मेशन पास करेगा कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिटर्न गया है, और ये आपके 26 एज के डेटा में आ जाएगा। 26 एज में भी मॉडिफाई हो रहा है, यानी कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ITR 1 ITR 2 जब डालेंगे उस समय क्या होगा कि जो सेक्शन 10 और 80C का डेटा था वो अब टैक्समैन के पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, अब वो ऑटो मैच कर लेगा। अगर गलती हुई तो आपके साथ परेशानी हो सकती है। साथ के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है, पहले क्या होता था कि जैसे मैं किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ और 6 महीने बाद मैं किसी वाई कंपनी में चला गया, होता क्या था कि हम एक्स कंपनी को डिस्क्लोज नहीं करते थे अगर TDS नहीं कटा हुआ। अब ITR अगर आप देखेंगे फॉर्म 16 में तो अब स्पेसिफिक कॉलम दे दिया गया कि अगर आप पीछे एम्प्लॉई थे या आपने जॉब किया तो उसकी भी डिटेल देनी, यानी कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन आगे पास करें। अगर हम मोटा मोटी देखें तो 3 पॉइंट बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे ये कि जब आप रिटर्न फाइल करें तो गलती ना करें, साथ के साथ वैसे प्रोफेशनल से बचें जो आपको ये ज्ञान देते हैं कि ये रिफंड हो जाएगा। होगा क्या, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, अब ये डेटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, डेटा मैच हुआ, एरर निकला, आपको नोटिस आ गया, उस प्रोफेशनल ने तो जो करना था करके चला गया क्योंकि रिटर्न आपके इंडिविजुअल अकाउंट से जा रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने जितना पैसा बचाया नहीं है उससे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी और आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत क्लीन समझाने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब रिटर्न फाइल करें तो कोई गलती ना करें, साथ के साथ वो इन्फॉर्मेशन जो आपके फॉर्म 16 में है वो एग्जैक्ट दें, क्योंकि अब अगर आपने गलती की तो इसका खामियाजा बहुत महंगा होगा। यानी मैं इसको समराइज करूँ तो 3 पॉइंट मेजर है। एक, अगर आपको कोई टैक्स फ्री आइटम मिल रहा है आपके एम्प्लायर की तरफ से, उसकी सारी रिपोर्टिंग होने वाली है, सारी की सारी रिपोर्टिंग होने वाली है, तो कोई गलत काम आप ना करें, बहुत क्लियर शब्दों में कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, महंगा पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप पीछे किसी एम्प्लायर के पास थे और नए एम्प्लायर के पास आपने ज्वाइन किया तो पीछे एम्प्लायर की भी जो इनकम थी उसको डिस्क्लोज करें, बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं अब कहूंगा कि आप दें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी, अगर चैप्टर 6 में जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी को डिस्क्लोज करें जो आपने किया है। मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं अपने पे ही लेता हूं कि जैसे मेरी एक सैलरी थी 10 लाख की और मैंने अपने एम्प्लॉयर को मांगा जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने बोल दिया कि 1.5 लाख था, और जब फाइनल हुआ उस समय मैंने 50,000 ही इन्वेस्ट किया, 1 लाख का गैप आ गया, 1 लाख के गैप आने की वजह से क्या हुआ कि मेरा TDS कट गया। अब जब रिटर्न में फाइनल करने गया तो जो भी या तो प्रोफेशनल की तरफ से या हमारे कलीग की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन थी कि यार 1 लाख डाल दो, क्या दिक्कत है, 1.5 लाख का 1.5 लाख हो गया, आपको रिफंड मिल जाएगा। सर, ऐसी चीज़ों से मैं अपने व्यूअर को बहुत स्ट्रांगली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अब ना करें। अगर आपने पीछे किया है कोई बात नहीं, कर दिया सो कर दिया, अब तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे से ये बात ध्यान रखें कि अगर आपने इस तरह की गलती की तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, ये अब सस्ता सौदा नहीं रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास बहुत इंफॉर्मेशन है आपके बारे में और वो इंफॉर्मेशन आपसे मैच की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, साथ के साथ ये वीडियो अपने कलीग्स के सर्कल में भी बताएं कि इस तरह की चीज़ें चेंजेस हुई हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की गलती से बचें। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम फायर TV पे भी हैं, एप्पल स्टोर पे भी हैं, अगर आप